हेलो फ्रेंड्स, अमेजिंग होम बाय अमायरा चैनल में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम बना रहे हैं वर्मीसेली बर्फी। वर्मीसेली बर्फी के लिए ये मैंने एक बाउल वर्मीसेली ली है, हाफ बाउल मैंने मिल्क पाउडर लिया है और एक गिलास हम इसमें दूध का इस्तेमाल करेंगे। इसके लिए मैंने 7-8 बादाम कट करके लिए हैं, ये मैंने 5-6 पिस्ता लिए हैं कट करके और ये थोड़ा सा नारियल मैंने क्रश करके लिया है और ये हमने 8-10 धागे केसर के लिए हैं। इनको दूध में भिगोकर छोड़ दिया है ताकि इनका कलर आ जाए। आइए अब हम शुरू करते हैं। ये हमने 1 टेबल स्पून घी लिया है इसके अंदर। सबसे पहले हम वर्मीसेली को इसके अंदर भून लेंगे, भून कर तैयार करेंगे। ये हमारा घी मेल्ट हो चुका है। हमें फ्लेम लो ही रखनी है, लो फ्लेम पे ही, लो टू मीडियम हम इसे भूनकर तैयार करेंगे। ये हमारी सेवियां भूनकर रेडी होने लग रही है और हमें इन्हें गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से भूनना है। वर्मीसेली है ये, अच्छे से भून चुकी है। देखिए कितना इनका बढ़िया कलर आया है, एकदम से गोल्डन कलर हो चुका है इनका। अब हम गैस बंद कर देते हैं और इनको एक प्लेट में निकाल लेते हैं। ये हमने इसमें से कढ़ाई में से वर्मीसेली निकाल ली है। अब हम इसके अंदर जो हमने 1 गिलास दूध लिया था वो हम इसके अंदर डालेंगे और इसको थोड़ा सा गर्म करेंगे। मैंने ये अच्छे से उबाल कर लिया है दूध, ठंडा दूध मैं इसमें यूज नहीं कर रही हूँ। आप इसमें जब भी दूध ऐड करें तो अच्छे से उबाल कर ही लें, इसमें ठंडा दूध यूज ना करें। अब हम इसके अंदर वर्मीसेली ऐड कर देंगे। और इनको अच्छे से इसके अंदर मिक्स होने तक पका लेंगे। ये देखिए दूध हमारा इसके अंदर सेट होने लग चुका है और अच्छे से बॉईल भी हो रहा है। देखिए अब हम इसके अंदर जो हमने मिल्क पाउडर लिया था ये थोड़ा थोड़ा करके हम इसके अंदर मिल्क पाउडर ऐड करेंगे। ये देखिए हमने सारा मिल्क पाउडर जो हमारा था वो इसके अंदर ऐड कर लिया है। अब हम इसको थोड़ा सा लगातार चलाते हुए इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि इसके अंदर लंप्स ना रहे। ये देखिए हमारा जो मिल्क पाउडर था वो भी अच्छे से इसके अंदर सेट हो चुका है। अब हम ये जो हमने केसर वाला दूध लिया था तैयार करके रखा है पहले से ही, ये हम इसके अंदर ऐड कर रहे हैं और इसी के अंदर हम ये नारियल का जो चूरा हमने लिया था ये भी हम इसी के अंदर अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये देखिए इसका कितना बढ़िया कलर आया है। अब हम इसी के अंदर ये चीनी ऐड कर रहे हैं। चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही ऐड कीजिए। मैं हाफ इसके अंदर ये पिस्ता ऐड कर रही हूँ और हाफ पिस्ता मैंने बचा के रखे हैं। बादाम भी मैं हाफ इसके अंदर ऐड कर रही हूँ और मैंने थोड़े से बचा लिए हैं, इनको हम बाद में डेकोरेशन के लिए बर्फी की यूज करेंगे। अब हमें बस इसमें चीनी मिक्स हो जाए तभी तक इसको पकाना है, उसके बाद हम गैस बंद कर देंगे।
ये देखिए हमारे जो वर्मी सेली का बैटर है एकदम से बढ़िया बनकर तैयार हो चुका है। कितना बढ़िया इसका कलर आया है। एक प्लेट ली है मैंने और इसके अंदर घी लगा लिया है अच्छे से। इसी के अंदर हम इसको निकाल लेंगे। ये देखिए हम प्लेट में निकाल के ले रहे हैं इसको। सारा बैटर हमने प्लेट में निकाल लिया है और इसको फैला लिया है। अब ये जब थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा तब हम इससे बर्फी की शेप कट कर लेंगे और इसी के ऊपर अब हम ये बचे हुए थोड़े से बादाम और पिस्ता लगा देंगे। ये हमारी वर्मी सेली का बैटर जो था ये एकदम से ठंडा हो चुका है। अब हम इसको पीसेस में कट कर लेंगे। पीसेस आप अपने हिसाब से किसी भी शेप में कट कर लीजिए। ये हमारी वर्मीसेली की बर्फियां हमने कट कर ली है और देखिए कितनी बढ़िया इनकी शेप आई है एकदम से। ये बहुत ही बढ़िया, खाने में भी बहुत टेस्टी है। आप इसे बनाइए, खाइए और मुझे बताइए कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी। और मेरे चैनल को अभी तक अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट, शेयर और लाइक करते रहिए। थैंक यू।